मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों। महाराष्ट्र के पालघर के मनोर इलाके में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक वैन और एक कंटेनर की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतना जबरदस्त था कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। वैन में सवार 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुंबई से सटे भिवंडी में एक 5 मंजिला इमारत की लिफ्ट का जंजीर टूटने से 4th मंजिले से लिफ्ट सीधा नीचे आकर गिरी है, जिसमें 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। यह हादसा भिवंडी के विट्ठल नगर के पास ग्लोबर कॉम्प्लेक्स में हुआ है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुंबई के भाईखल्ला रेलवे स्टेशन पर चलती लोकल ट्रेन में चढ़ने के दौरान 41 साल की महिला गिर जाती है, मगर तभी ड्यूटी पर तैनात आरक्षक सपना गोलकर ने दौड़कर इस महिला को बचा लिया। बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी लोग चलती ट्रेन से चढ़ने और उतरने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ऐसे करने की वजह से जान जाने की भी खबर सामने आती है। पालघर के कुबेर शॉपिंग मॉल में आज भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह आग कपड़े के दुकान में लगी है। आग काफ़ी भयानक थी, धुएं का गुंबार साफ देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बंदर को बचाने के चक्कर में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा हिमाचल प्रदेश के शिमला का है, जहां एक कार सड़क से कई फीट नीचे गिर गई, जिसमें एक बच्चे सहित 4 लोग सवार थे। तभी स्थानीय लोगों ने पलटी हुई कार को सीधा किया और सभी जो कार के अंदर 4 लोग थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।